हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब ठीक होंगे। तो आज हम रिक्रिएट कर रहे हैं किम कार्दशियन का मेकअप लुक। तो आप मुझ में किम कार्दशियन ना देखने लग जाएं। तो कुछ कुछ हद तक हम उनका मेकअप को कॉपी करेंगे, उनका फेस नहीं बना पाएंगे वैसे, फिर भी जहाँ तक टच होता है आप देखिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो इसकी शॉट पहले आ चुका है, इंस्टाग्राम रील आ चुकी है, सब आ चुका है। अब ये फुल मेकअप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, एडिट नहीं हुआ था तो इस वजह से देर हो गई। प्राइमर मैं प्रॉश ब्यूटी का ले रही हूँ, मॉइस्चराइज़र स्किप किया है मैंने क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर है। इसको लगाने के बाद हम 5 मिनट का वेट करेंगे, नेक फेस पे अच्छे से लगाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो आप देखिए आगे आगे वीडियो में क्या क्या स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आप रिक्रिएट करते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ऑफिशियल भावना का अन्य आईडी पे टैग कर सकते हैं सेम लुक। उसके बाद अगर नोज़ के पास आपके ओपन पोर्स हैं तो आप पी साइज ऑफ अमाउंट कोई भी सिलिकन प्राइमर भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ अपनी स्किन से 2 टोन डार्क, मतलब आपको कोई भी डार्क कंसीलर लेना है जिससे आपकी अंडर आई पिगमेंटेशन ये सब कवर हो जाए। उसको लेके हम अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से, जहाँ जहाँ आपके मार्क्स हैं उनको कवर कर लेंगे, ताकि फिर हम जो फाउंडेशन दें उसके ऊपर से हमारे को और अलग फाउंडेशन ना लगाना पड़े। तो उसके बाद मैं फुल कवरेज मिलानी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 02, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप अच्छा सा कोई फुल कवरेज फाउंडेशन देख रहे हैं तो इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं एल्फ ब्यूटी का लाइट स्किन टोन, 3-4 टोन लाइट स्किन टोन अपना कंसीलर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने स्किन टोन को थोड़ा सा डिफाइन करना है। उसके बाद क्रायलॉन का मैंने यहाँ पर कॉन्टोर कलर लिया है, अच्छे से मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउन स्किन है क्योंकि जो भी आप जितने भी बाहर के सेलिब्रिटी देखेंगे वो अपने स्किन टोन को डार्क करते हैं और इंडियन जो होते हैं वो ज़्यादा विटिश करते हैं, तो वहाँ जितना भी मेकअप होता है वो सारा ब्राउन मेकअप होता है। जितनी कॉन्टोरिंग जितनी ब्रॉन्जिंग आप करेंगे उतना ज़्यादा मेकअप आपका अच्छा दिखेगा। फिर इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप इससे पहले कोई भी फिक्सिंग स्प्रे या स्प्रे कर सकते हैं तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा, बट क्रायलॉन के बेस ऑटोमेटिकली भी बहुत अच्छे ब्लेंड होते हैं। कॉन्टोर कलर है इसमें मेरे पास ये वाला निग्रो शेड है इसका। नोज़ पे मैं हैंड से ही ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर से अच्छे से, देन मैं बीच में एक कंसीलर वापस अप्लाई करूँगी क्योंकि नोज़ में काफ़ी सेंटर में मुझे गैप नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद मैंने यहाँ मार्स का लूज पाउडर लिया है जो वाइट शेड का है, उससे मैं अच्छे से अपने बेस को सेट कर लूँगी। फिर खाली सिर्फ थोड़ा सा जो पाउडर रह जाएगा उसमें मैं पूरे फेस को भी कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर मेरी आईब्रो थोड़ी ग्रूम्ड नहीं थी, मैंने सिर्फ जेल यूज़ करा है, कोई भी आईब्रो को शेप नहीं दिया है, नॉर्मल उसकी शेप रहने दी है। जितने भी मैंने अभी एक पिक शो करी थी उसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ कॉम और जेल हुआ हुआ है आईब्रो में। इसके बाद माई ग्लैम का मैं फिर से ब्रॉन्ज करूँगी, पाउडर ब्रॉन्ज। आई मेकअप भी मैं माई ग्लैम के ब्राउन से ही कर रही हूँ, ब्राउन शेड लिया है पूरी आईज़ पे लगा दिया है, फिर इससे थोड़ा डार्क शेड लेके सिर्फ आउटर कॉर्नर पे दे रही हूँ मैं और कहीं नहीं दे रही हूँ मैं। उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से, आउटर कॉर्नर पे ही सिर्फ ब्लेंड करना है। इसके बाद एक लैक्मे का मैंने काजल रफली ड्रॉ किया है, इसको भी मैं ब्राउन कलर लेके स्मज कर लूँगी अच्छे से। इसको एक छोटा पैक का मैंने ब्रश लिया है ब्लेंडर, उससे ब्लेंड करूँगी। आप इसमें ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक और ब्राउन को लेते हुए थोड़ी सी छोटी विंग निकाल दी है, दोनों आईज़ में मैंने सेम करना है और नीचे आईज़ के नीचे भी सेम ब्राउन शेड ही मैंने फिल करना है। यहाँ मैंने काजल यूज़ नहीं किया, सिर्फ मस्कारा यूज़ किया है। अगर आप
अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से। कोई न्यूड काजल है तो वो भी लगा सकते हैं, ब्राउन काजल है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर माई ग्लैम की उसी पैलेट से मैं फिर से स्किन ब्रॉन्ज करूँगी। इसमें दो शेड है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है डस्की सा, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। तो फिर से स्किन को मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत अभी तो मैंने बहुत कम ब्राउन स्किन टोन देखी है, जो अभी मैं पिक लगाऊंगी उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज है मेकअप। यहाँ स्विस ब्यूटी की लिप्स पेंसिल लेके मैं आउटलाइन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे करी है। उसके बाद मैंने पैक का शेड लिया, पैक का लिक्विड लिपस्टिक लिए। इसके बाद भी एक और आउटलाइन मैं डार्क शुगर की आउटलाइन लूँगी, उससे मैं डार्क शेड से इसको लिफ्ट आउट कर रही हूँ लिप्स को। तो बिल्कुल वैसे ही क्रिएट हो गए थे, बट मुझे अपने ऊपर सूट नहीं कर रहे थे तो मैंने अपने नॉर्मल लिप्स करे हैं। आप कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहा है ये वाला लुक। ये बिल्कुल पाउटी लिप्स हो गए थे, मुझे खुद पे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने वापस बेस लगा के थोड़ा लिप्स पे ये शुगर की आउटलाइन ली है मैंने। फिर वही पैक का मैंने शेड भरा है, अगर ये किसी को चाहिए तो मैंने शेयर किया हुआ है वीडियो पैक की लिपस्टिक का, और शेड मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। तो यही है मेरा फुल लुक। आपने इसमें हाइलाइटर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि जो मेरा मॉइस्चराइज़र प्राइमर था वो बहुत अच्छा था। ये किसी भी बिना फिल्टर के फ़ोटो है, आप देख रहे हैं वीडियो है, और विद फिल्टर भी लगाऊंगी मैं, कोई बिना फिल्टर के फ़ोटो नहीं खींचता आजकल। तो दोनों पिक्स मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा लगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। लव यू, बाय बाय ऑल।